वो दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर लगातार उबाल देखने को मिल रहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली की सियासत तो गर्म है, लेकिन साथ ही साथ जेल से सरकार चलाने की भी पूरी तैयारी। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, उधर बीजेपी भी हल्ला बोल रही है। बिल्कुल, आज सड़कों पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी उतरे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन देखने को मिला। जहां एक तरफ पीएम आवास का घेराव करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी विरोध मार्च निकालती दिखी। ये कहना है आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी का कि अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, जिन्हें डिटेन अभी कर लिया गया है। आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी में पहले से थे और इसीलिए ये इंतजाम हुए। पुलिस ने हालांकि पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जबरदस्त देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी का भी दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिगेटिंग तक तोड़ दी। ये प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र रहा, उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन भी किया, यानी कि एक्शन इधर भी हुआ है, एक्शन इधर भी हुआ है। दोनों ही तरफ के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। थोड़ी देर पहले दिल्ली से जावेद हुसैन ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला या पुरुष, सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सबकी मांग है कि आज वो पीएम हाउस तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस यहां पर सभी को डिटेन कर चुकी है और जो लोग यहां पर महिला कार्यकर्ता की अगर बात करें या फिर जो मेल कार्यकर्ता, सभी को दिल्ली पुलिस यहां पर डिटेन कर रही है। ये देखिए, धीरे धीरे करके डिटेन किया जा रहा है लगातार। देखिए, ये देखिए आदिल जो है, ये कार्यकर्ता है, उस किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर पकड़ रही है। देखिए एसएचओ यहाँ पर खुद है, यहाँ देखिए थोड़ा सा रिजिट चल रहा है यहाँ पे कार्यकर्ताओं को लेकर, और गुस्सा भी है इस हिरासत को लेकर। और लगातार देखिए पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर एसएचओ खुद यहाँ पर मौजूद है, एसएचओ यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर जो ग्राउंड पे इस वक्त जो है गिर गया है यहाँ पे कार्यकर्ता, और सभी का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए देखिए खुद एडिशनल डीसीपी एसएचओ खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त जो प्रोटेस्टर हैं उनको उठा रहे हैं, और यहाँ पर लगातार पीएम को लेकर नारेबाजी चल रही है और पुलिस की लगातार कोशिश है किसी तरीके का कोई भी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जो है पीएम हाउस तक ना जाए। यहाँ पर सीनियर्स अधिकारी जो है नई दिल्ली वो यहाँ पर मौजूद है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि कोई भी प्रदर्शनकारी या किसी तरीके का कोई भी जो बवाल है वो दिल्ली की सड़कों पर ना हो, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। और आप कोशिश यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर गेट भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस जगह का यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है और जो हिरासत में लेने का जो एक कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार शुरू हो गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनीस के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगभग शुरू हो गया है और लगातार कोशिश की जा रही है पीएम आवास तक जाने के लिए, और महिला जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ गई हैं और लगातार कोशिश कर रही है बात करने की कोशिश करेंगे। जिंदाबाद मोदी जी, मोदी जी, देखिए बस का पहिया पलटते हुए देर नहीं लगता, आज उनका वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा, कल हम लड़ाई करेंगे। क्या आप लोग जाएंगे पीएम हाउस तक? बिल्कुल हम जाना चाहते हैं, हमें घेर रखा है, हमें पीएम हाउस जाने नहीं दे रहा। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अरविंद केजरीवाल से हम केजरीवाल ही सीएम रहेंगे, केजरीवाल ही सीएम रहेंगे, हम केजरीवाल को दिल्ली की जनता खुद चाहती है। ये थे हमारे, ये आम आदमी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर हैं, लगातार उनको डिटेन करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। और ये देखिए इस वक्त लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे हटाने के लिए।
तो इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गया है और तमाम महिला कार्यकर्ता का कहना है कि वो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। लगातार दिल्ली पुलिस अपनी सुरक्षा को बनाई हुई है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। 9 साल बाद जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए, अब उनको याद आ रहा है। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल, शरद रेड्डी को बेल, ये कौन सा है खेल? लेकिन भाजपा इसका जवाब नहीं देना चाहती। पुलिस के पीछे पहले दिन से भाजपा छुप रही है, भाजपा के नेता छुप रहे हैं, प्रधानमंत्री छुप रहे हैं। हमें लगता है कि आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। पुलिस चाहे जितना मर्जी छावनी बना ले दिल्ली को, ये लड़ाई जारी रहेगी, आगे ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक इस बात का जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल और शरद रेड्डी को बेल क्यों दिया गया, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस पर हमारे साथ दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, साथ ही साथ पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया। अरविंद सर हैं, राहुल लाल जी हैं, अजीत मंडोला जी हैं, लेकिन पहले ग्राउंड पर चलते हैं जहां से शुभ राणा और मनीषा हमारे साथ हैं। शुभ, फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है? जो प्रदर्शन हम सुबह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी का, वो थमा या सिलसिला जारी है अभी? जो देखिए, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो वहाँ से खत्म हो गया, या यूं कहें कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन करके ले जाया गया। कम से कम 6 से जो 10 बसेस हैं वो आई थी, और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पटेल मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास के घेराव की बात कर रहे थे, उनको डिटेन करके ले गई, जिसको लेकर पार्टी के खेमे में नाराजगी है। उसके बाद गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और देखिए इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हूँ। और देखिए, आम आदमी पार्टी के ऑफिस की अगर मैं इंटरनल खेमे की बात करूँ, कुछ देर पहले जब मेरी गोपाल राय से बात हुई और मैंने उनसे जब सुनीता केजरीवाल पर सवाल पूछा, तो एक मुस्कान उनके चेहरे पे दिखी। हालांकि उन्होंने पुष्टि किसी बात की नहीं की, और उन्होंने लगातार यही कहा कि हम अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर ही अड़े रहेंगे। और तो देखना ये अहम होगा कि देखिए, 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है, और 31 मार्च को इंडिया अलायंस का एक मेगा प्रोटेस्ट है, जिसमें करीबन यहाँ पार्टी के हवाले से बोला जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे। कांग्रेस से बड़े नेताओं की मौजूदगी का हवाला पार्टी दे रही है, और देखना ये अहम होगा कि आखिर ये जो 31 की रैली है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि 28 तारीख तक केजरीवाल ईडी लॉकअप में और उनकी कोर्ट में पेशी है। उसके बाद पार्टी का आम लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाया जा सके।